गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आई एम रामबाबू तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस प्रयाग विधि महाविद्यालय मौर्या नंगी प्रयागराज। बच्चों, आज हम कम्पिटेटिव बीएलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में आगे का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने तमाम चीजों का अध्ययन किया, पॉलिटिकल साइंस के महत्व, उद्देश्य, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र के बारे में वर्णन किया। आज हम जो है इसकी जो अप्रोचेज हैं, जैसे इससे पहले हमने बताया था कि कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स के दो अप्रोचेज हैं, दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। तो आज हम परंपरागत कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स के परंपरागत दृष्टिकोण का यानी ट्रेडिशनल दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में आज हम बताएंगे इसकी विशेषता क्या, परंपरागत राजनीति विज्ञान की क्या विशेषता है। इसकी विशेषता मुख्य है, जैसे देखिए इसकी पहली विशेषता है प्रधानता अतुलनात्मक अध्ययन, दूसरी है प्रधानता वर्णनात्मक अध्ययन, तीसरी है मूलतः सक्रिय अध्ययन, और चौथा है मुख्यतः निश्चल अध्ययन, और पांचवा है विशेष का एक प्रबंधी अध्ययन, और छठवा है मुख्य आदर्शी अध्ययन। इस तरह से हम देखते हैं कि कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनल अप्रोच में इसकी जो है छह विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है प्रधानता अतुलनात्मक अध्ययन। इसमें हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति में हम देखते हैं कि जो है कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स का जो पहली विशेषता है ये प्रधानता अतुलनात्मक है। इसकी जो है प्रधानता ये जो है इसमें क्या करते हैं, ज्यादातर एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था की तुलना नहीं करते, मुख्यतः अपने ही में अपने आप को माने सीमित रखते, तुलना में इनका ज्यादा विश्वास नहीं होता है। वो जो है एक व्यवस्था के दूसरे व्यवस्था से तुलना करने का ज्यादा प्रयास नहीं करते, या एक जो है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि अपने आप में ही ज्यादातर ये जो है संकुचित रहने का प्रयास करते हैं, अपने आप में ही अपने आप को जो है कैसे माने याद रहते हैं। वो जो विश्व के देशों में या विश्व के विभिन्न व्यक्तियों से तुलना करने की जगह अपने आप में ही अपनी व्यवस्था को ही सुदृढ़ करने में लगे रहते हैं। दूसरी प्रधानता वर्णनात्मक अध्ययन, यह वर्णनात्मक अध्ययन इसमें तमाम प्रकार के वर्णन किए जाते हैं, माने जैसे अपनी व्यवस्था, अपने देश की कोई व्यवस्था है उस व्यवस्था को विभिन्न प्रकार से वर्णन करते रहते, उसी में अपने आप में ही अपने आप में व्यस्त रहते, या किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसी व्यक्ति के बारे में जो है व्यवस्था करेंगे, या अपनी किसी देश की अपनी व्यक्ति विशेष या व्यवस्था विशेष का कार्य करेंगे तो अपने आप में ही पूरी तरह से वर्णन करते रहते, उसी में अपना व्यस्त रहते हैं। दूसरा मूलतः संकीर्ण अध्ययन, इसको जो है मूलतः संकीर्ण अध्ययन कहता है, अध्ययन होता है। संकीर्ण अध्ययन क्यों होता है, ये बहुत सूक्ष्म अध्ययन होता है, क्योंकि इसमें जो है ये जो है विश्व के विभिन्न देशों से या विश्व के विभिन्न व्यक्तियों से एक दूसरे से तुलना नहीं करते, बल्कि अपने आप में ही सीमित रह करके अपने आप में ही संकीर्ण दायरे में रहकर अपनी व्यवस्था के, जैसे एक अपने देश की शासन व्यवस्था के बारे में ही अध्ययन करते रहे, उसी को सुदृढ़ करते रहे, मजबूत कर, उनका ये प्रयास निरंतर रहता है कि हम दूसरे देश की व्यवस्थाओं को देखें, दूसरे देश की जो है व्यवस्थाओं से पूछते हैं, बल्कि अपने आप में ही सीमित रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनकी जो है संकीर्ण व्यवस्था होती है। मूलतः निश्चल अध्ययन, इसमें जो है निश्चल होता है, इनके अंदर कोई छल कपट दंड द्वेष ये नहीं होता, बल्कि अपने आप में ही परंपराओं से जुड़े होते हैं और अपने आप में ही समुचित दायरे में रह करके अपने आप में ही अध्ययन करते, अपनी व्यवस्था को सुधार करने का लगातार प्रयास करते हैं। पांचवा विशेष एक प्रबंधी अध्ययन, इसका जो है एक प्रबंधी अध्ययन है, ये जो है अपने आप को चौतरफा, अपने अध्ययन को चौतरफा मैंने जो है उसको विस्तारित करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अपनी व्यवस्था को संक्षिप्त दायरे में रह करके अपनी व्यवस्था को एक सूत्री धारणा से अपने आप को आगे बढ़ते चले जाते हैं। और पांचवा है मुक्त आदर्शी अध्ययन, इसमें क्या होता है, इसमें आदर्शवादी व्यवस्था को ज्यादा अपनाया जाता है, आदर्श की बात करते हैं, और ये लोग इन लोगों को प्रयास होता है कि ऐसी व्यवस्था हम जो है लागू करें, अपने आप में सीमित रह करके ऐसी व्यवस्था लागू करें जो आदर्श स्थापित हो, और जहां पे न किसी के हर व्यक्ति की जो है हितों की जो है पूर्ति हो, और हर व्यक्ति के जीवन में जो है लाभ मिले, हर व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोच्च विकास करे, कोई किसी के ऊपर अन्याय न करे, इनकी व्यवस्था की अपने देश में रहने वाले हर व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, और हर व्यक्ति अपने आप में जो है
अपनी व्यवस्था में लगा रहे, कोई किसी का हस्तक्षेप न करे, और राज्य का यहाँ पे एक मात्र उद्देश्य होता है कि राज्य व्यक्ति के विकास में अधिक से अधिक उसका सहयोग करे। आगे की क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।